जय माता दी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर, और अगर आप 2023 या 2024 में श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। काफी कुछ चेंजेस इस यात्रा के दौरान आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक नया स्काई वॉक ओपन हो चुका है और नवरात्रों के समय पर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है और किस तरह की क्राउड देखने के लिए मिलने वाली है। एकोमोडेशन से रिलेटेड भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली 12 घंटे की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर, और कटरा रेलवे स्टेशन पर यहाँ का जो माहौल है ना, पीछे की साइड में आप देख पा रहे हैं त्रिकुटा पर्वत और कितना बेहतरीन वातावरण देखने के लिए मिलने वाला है। रेलवे स्टेशन से एग्जिट लेते हैं और फिर बताते हैं कहाँ से आपको RFID कार्ड बनवाना है, किस तरह से अपनी यात्रा कर सकते हैं, ऑटोज कहाँ से मिलेंगे, ऑटोज का क्या फेयर आपको देना पड़ेगा। इस समय पर बहुत जो मौसम है काफी जबरदस्त हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरी तरह से सामने आप देख पा रहे हैं त्रिकुटा पर्वत आपको देखने के लिए मिलने हैं, और मैं कैमरा इस तरह से घुमाऊंगा पूरी तरह से बादल ही बादल आपको छाए हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफी जबरदस्त और बेहतरीन वातावरण हो रहा है। अभी रेलवे स्टेशन से एग्जिट लेते हैं और फिर ऑटोज पकड़ते हैं। ऑटोज का भी नवरात्रों के समय पर क्या फेयर ले रहे हैं, किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाले हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं यात्रा पर्ची काउंटर आपको माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर भी देखने के लिए मिलने वाला है, और मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो 5 बजे से लेकर और 10 बजे के बीच में रात को आप यात्रा पर्ची बना सकते हैं। आधार कार्ड आप होना चाहिए, देन आप यात्रा पर्ची बना सकते हैं। और हम लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप पर्ची बनवा सकते हैं और उसके बाद में जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी बनवा सकते हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपका नंबर आएगा। कटरा रेलवे स्टेशन से ले लिया मैंने एग्जिट और मेरे पीछे साइड में देख पा रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो जिस तरह से मैंने RFID कार्ड ये बनवाया अपना, कटरा रेलवे स्टेशन से बनवा सकते हैं और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका RFID कार्ड बन जाएगा। एक आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है कि आप बस स्टैंड से जाएं और बस स्टैंड से आसानी से 15 से 20 मिनट में आपका आधार कार्ड आता है और फिर आगे की यात्रा को आप कर पाएंगे। तो अभी ऑटोस के पास चलते हैं और ऑटोस नवरात्रों के समय पर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या चार्जेस ले रहे हैं वो बताने वाले हैं, और कितने समय में आप जो बाणगंगा चेक पॉइंट है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस युग की वैलिडिटी 6 घंटे की होती है, तो 6 घंटे में आपको बाणगंगा चेक पॉइंट पार करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये जो कार्ड है ये इनवैलिड हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की साइड में, और जो वातावरण की मैं बात करूँ, ये माँ का भवन देख पा रहे हैं और हल्के हल्के बादल छा रहे हैं तो वातावरण काफ़ी जबरदस्त हो रहा है और इंजॉय कर रहे हैं इस अपनी जर्नी को। कटरा रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे इस तरह के आपको ऑटोस देखने के लिए मिलने वाले हैं। 260 रुपये आपको बाणगंगा चेक पोस्ट तक जाने के लिए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप बस स्टैंड तक जाना चाहते हैं जो कि मेरे हिसाब से प्रीफरेबल नहीं रहेगा तो 160 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ से कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटोस लीजिए और 260 रुपये पे करने के बाद आप बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुँचिए। RFID कार्ड आपका यहीं से बन जाएगा और आसानी से फिर अपनी ट्रैकिंग है उसको स्टार्ट कर पाएंगे। 3 पर्सन बैठ सकते हैं और यहाँ पर आपको ना प्रीपेड टैक्सी बूथ भी देखने के लिए मिल पाएगा। ये टैक्सी बूथ है और यहाँ पर आपको 7 सीटर 4 सीटर ये जो चार्जेस पे करने के बाद, गौर से आप देखेंगे तो 7 सीटर का 420 रुपये चार्ज पे करने के बाद में फिर आप बाणगंगा चेक पोस्ट तक आसानी से पहुंच पाएंगे। सामने आप कटरा रेलवे स्टेशन देख पा रहे हैं और कटरा रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप एग्जिट मारेंगे कुछ शॉप आपको देखने के लिए मिल पाएंगे जहाँ से आप लोकल जो जम्मू कश्मीर की प्रीपेड सिम है वो खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी शॉप्स दिखाई दे रही हैं। 350 रुपीज़ में आप जो है इसकी सिम ले सकते हैं और जो अपना अनलिमिटेड प्लान है उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। ये मैंडेटरी है क्योंकि अदर स्टेट की जो सिम है वो यहाँ पर वर्क नहीं करने वाली है, और एयरटेल की जो सिम है वो बेस्ट वर्क करने वाली है। माता के भवन है तो हमने एयरटेल की सिम ली है, और लेने के बाद में फिर जो अब ऑटो पकड़ते हैं तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा नवरात्रों के समय भीड़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। रेलवे स्टेशन से लोग बाग आए जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके का जो क्राउड है, माता के भवन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग बाग सब।
ट्रस्ट सिटी में एंटर होने के साथ में ही आपको वेलकम नवरात्र फेस्टिवल देखने के लिए मिल पाएगा। इट मीन्स नवरात्रों की शुरुआत कटरा सिटी से ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है और इस तरह के डेकोरेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ये कटरा मेन चौक आप देख पा रहे हैं और इससे हार्डली 10 से 15 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो आपको बस स्टैंड देखने के लिए मिल पाएगा। ये सामने देख पा रहे हैं आप वेलकम नवरात्र फेस्टिवल और यहाँ पर भी इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है और सामने त्रिकुटा पर्वत आप देख पा रहे हैं। तो इस रास्ते के थ्रू आप आगे जाएंगे तो बाणगंगा चेकपोस्ट तक पहुँच पाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की साइड में। नवरात्रों में अगर स्टे या एकोमोडेशन की फैसिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो निहारिका भवन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है और जिस प्लेस पर मैं खड़ा हुआ हूँ आपको ये निहारिका भवन देखने के लिए मिलने वाला है। डॉर्मेट्रीज की स्टार्टिंग 150 रुपीज से आती है, इट मीन्स 150 रुपये में 24 घंटे स्टे एकोमोडेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मेरे पीछे व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज है और ये बस स्टैंड से आप एंट्री करेंगे तो आसानी से आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पर आपको अन्नपूर्णा भोजनालय भी देखने के लिए मिलने वाला है और यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड का, ये जो इस तरह का जो RFID कार्ड है इसका रजिस्ट्रेशन भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर जो स्टे एकोमोडेशन की मैं बात करूँ तो ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप स्टे एकोमोडेशन ले सकते हैं और डॉर्मेट्रीज वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर शक्ति भवन इन्होंने लिखा हुआ है, शक्ति भवन में डॉर्मेट्रीज वगैरह मिल जाएंगी आपको और आसानी से अपनी जो स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ है उसको आप ले सकते हो। 3 जगह पर आपको RFID कार्ड की ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाली है, एक रेलवे स्टेशन पर, दूसरा बस स्टैंड पर और थर्ड जो ऑप्शन है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस तरह के RFID कार्ड की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से अपना जो स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ है वो आप कर सकते हैं। सामने जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये जो रास्ता जा रहा है कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा के लिए जा रहा है और बाणगंगा लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं। बीच रास्ते में काफ़ी सारी माता की चुनरी बंधी हुई है यहाँ पर और काफ़ी बेहतरीन और सुंदर लग रही है। तो ये सारी चुनरी बंधी हुई है लोगों ने बांधी हुई यहाँ पर और इससे आगे बढ़ेंगे तो आप बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुँच पाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी पूरे पेड़ पर और चारों साइड में काफ़ी सारी चुनरी लोगों ने बांधी हुई है और यहाँ से माता का जो भवन का जो पूरा जो व्यू है अल्टीमेट दिखाई दे रहा है। और बारिश हो रही है तो बारिश के साथ में चुनरी कितनी बेहतरीन लग रही है यहाँ पर, हल्की हल्की हवा चल रही है तो मज़ेदार व्यू नवरात्रों के समय पर इसका आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। और ऊपर की साइड से पूरा टोटली जो नज़ारा है ना वो देख पा रहे हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा देखने के लिए मिलने वाला है। हार्डली 300 मीटर की दूरी चेक करेंगे और बाणगंगा चेक पॉइंट पर हम पहुँच पाएंगे जहाँ से जो हमारी एक्चुअल ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है। चलते हैं इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इस तरह का रेड कलर का पट्टी या रुमाल बांधते हैं तो हमने भी ये ले लिया है और भैया से बंधवा के फिर अब आगे की यात्रा है उसको स्टार्ट करते हैं और जय माता दी बोलकर अपनी यात्रा है उसको आगे की बढ़ाते हैं। तो आप सब भी ऐसा ही कर सकते हैं और नवरात्रों के समय पर ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, काफ़ी लोग दूर दूर से देश के हर कोने से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं तो हम भी भक्ति भावना के साथ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आगे जा रहे हैं। दरबार की जय। फाइनली अभी हम बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और सजावट आप देख पा रहे हैं, फूलों की सजावट इतनी ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रही है। पूरा जो गेट है, द्वार है, वो फूलों से सजा रखा है। सामने लिखा हुआ है माँ और भक्त, आप देख पा रहे हैं ना कितनी दूर दूर से लाइनों में आ रहे हैं। तो इस तरह का ही माहौल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। हम भी इसी रास्ते के थ्रू जाएंगे और फिर माँ के दर्शन कर पाएंगे। तो काफ़ी भक्त आ रहे हैं दूर दूर से और सजावट देख पा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त सजावट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है। पूरी तरह से फूलों से डेकोरेट हुआ है और काफ़ी भव्य सजावट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है। और इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे ना तो
काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो फूल होक से सजावट यहाँ पर हो रही है, और आप देख पाएंगे इस तरह से सजावट आपकी माता के नवरात्रों में देखने के लिए मिल पा रही है। ज़बरदस्त फूल से सजावट कर रहे हैं यहाँ पर, और भव्य नज़ारा आपको नवरात्रों में देखने के लिए मिलने वाला है। फिनिशिंग पॉइंट सामने आ चुका है और इस गेट के थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से लाइन जा रही है यहाँ पर, और इस तरह से लाइन जाने के बाद में फिर आप अंदर जा पाएंगे। यहाँ पर गुटखा तम्बाकू वगैरह सब कुछ आउट हो जाता है, और फिर इसके थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। इधर भी गुलाब के और गेंदे के फूल आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं, तो मज़ेदार सजावट और नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और जब बोल साचे दरबार की, अभी बाणगंगा चेकपोस्ट को मैंने पार कर लिया, और पार करने के बाद में फिर आगे की जर्नी वो अपनी कंटिन्यू करते हैं। माता के जयकारे लग रहे हैं और जोश सबसे ज्यादा हाई हो रहा है। अभी बाणगंगा चेकपोस्ट पर काफी सारे आइटम चेक होते हैं, आपके लैपटॉप या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, गैजेट्स है, वो नहीं ले सकते। जो कैमरास है जैसे DSLR कैमरास, और वो भी नहीं अलाउड है यहाँ पर। और अगर आप तम्बाकू वगैरह इस तरह के कुछ आइटम्स लेकर आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर बैन है। अभी इन सभी चेकिंग को करने के बाद में फिर अपने जो आगे यात्रा है उसको कंटिन्यू करते हैं। और माहौल आप देख पा रहे हैं, बारिश जबरदस्त पड़ रही है, सबने अपना जो येलो कलर की पॉलिथीन है वो ले लिया, और जबरदस्त तरीके का जो माहौल है अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और फिर जो अपनी यात्रा है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये जो सामने रास्ता जा रहा है, अभी आपको यहाँ पर दो रास्ते देखने के लिए मिल पा रहे हैं, एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है। तो सामने आप देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग वे टू भवन विया अर्धकुआरी। तो इस रास्ते के थ्रू आप जाएंगे तो अर्धकुआरी पहुंच जाएंगे, और इसी रास्ते के थ्रू आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपकी प्रिफरेंस के हिसाब से आप इस रास्ते को भी चूज़ कर सकते हैं या फिर इस रास्ते को भी चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड आपको देखने के लिए मिल रही है नवरात्रि के समय पर। लोग बाग इस तरह के झंडे भी लेकर आ रहे हैं श्री वाली माता के मंदिर में चढ़ाने के लिए, और भव्य जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नवरात्रों के समय पर यही मज़ा होता है कि इन सब चीज़ों को देख पाएंगे आप, और आनंद आएगा आपको नवरात्रों के समय पर। तो अभी चलते हैं गुलशन कुमार जी के भंडारे की तरफ को, और फिर दिखाते हैं भंडारे में किस तरह का आपको जो अरेंजमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, किस समय से भंडारा होने वाला है। तो ये जो रास्ता जा रहा है इन सीढ़ियों के थ्रू आप जाएंगे और गुलशन कुमार जी के भंडारे की तरफ को जा पाएंगे। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप, ये बोर्ड लगा हुआ है, सीढ़ियों के थ्रू उतरेंगे और भंडारे तक पहुँच पाएंगे। गुलशन कुमार भंडारे से कुछ ही कदम की दूरी पर आपको पौनी पालकी एंड पिट्टू प्रीपेड काउंटर देखने के लिए मिल पाएगा, और चार्जेस इन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है यहाँ पर। भवन टू हिमकोटी जाने के लिए आपको 3,100 रुपये पे करने पड़ेंगे, भवन से सांडीछत जाने के लिए आपको 3,700 रुपये पे करने पड़ेंगे, अर्धकुआरी तक के लिए आपको 1,750 रुपये पे करने पड़ेंगे, और इस तरह के पूरे चार्जेस की लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है। पालकी के लिए भी चार्जेस इन्होंने फिक्स किए हुए हैं 3,900, 4,650 रुपये, और इस तरह के चार्जेस पे करने के बाद में फिर आप जाएंगे इस वाले रास्ते से आगे की तरफ को। तो सभी लोग इस तरह से कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़े खच्चर और पालकी के थ्रू जा रहे हैं। तो इसी तरह का माहौल आपको ये देखने के लिए मिल पा रहा है। इस तरह के वॉकर भी मिल जाते हैं रेंटेड, और पालकी आप देख पा रहे हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पालकी के थ्रू जा रहे हैं, तो ये पालकी लेकर जा रहे हैं। तो पालकी के चार्जेस भी इसी में लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो इस तरह के चार्जेस पे करने के बाद में ये वाला जो रास्ता आगे की साइड में जा रहा है, इस रास्ते के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और जा सकते हैं। तो भी आप सामने देख पा रहे हैं इस तरह के रेंटेड वॉकर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे किड्स आ रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और छोटे बच्चों को भी आप माता वैष्णो देवी के भवन तक आसानी से ले पा जाएंगे। काफ़ी छोटा बच्चा है और इस तरह के जो वॉकर लेने के बाद में फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये वाला रास्ता है, इस रास्ते के थ्रू आप आगे जाएंगे और आसानी से माता वैष्णो देवी की यात्रा को कर पाएंगे। तो काफ़ी आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को आपको करने के लिए। अभी अपनी ट्रैकिंग को करते करते हम आ चुके हैं बाणगंगा पर, और ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं बाणगंगा का है। इस साइड में काफ़ी लोग बाग स्नान कर रहे हैं, ये देखेंगे आप,
ये काफ़ी लोग बाग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, और स्नान करने के बाद में अपनी यात्रा को कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करिए और स्नान करने के बाद में यहाँ से अपनी यात्रा है उसको स्टार्ट करिए। इस साइड में आप देखेंगे ना तो काफ़ी सारी शॉप्स प्रसाद की और दुकानें आपको देखने के लिए मिल पाएंगी, तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने के लिए मिल पाएंगी जहाँ से प्रसाद वगैरह की जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, और इस तरह का लकड़ी का डंडा भी आप ले सकते हैं साथ में जो ट्रैकिंग के दौरान काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। स्टिक्स वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, तो हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी भक्त जा रहे हैं और अप्रोक्स 2 से 2:30 बजे का भी टाइम हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारी जो जर्नी है वो 6 से 6:30 बजे तक हम भवन तक पहुँच जाएंगे। देखते हैं अभी कितना टाइम में लगने वाला है। और ये बाणगंगा का व्यू आपको देखने के लिए मिल पा रहा है जहाँ पर काफ़ी लोग बाग स्नान कर रहे हैं और इस माँ वैष्णो देवी की यात्रा को अपनी आनंद के साथ में नवरात्रों के समय पर एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की काफी सारी तीन सेट्स आपको जगह जगह पर देखने के लिए मिल पाएंगे, तो बारिश हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा सबसे सेफ मानी जाती है। इस तरह की काफी सारी तीन सेट आपको देखने के लिए मिल पाएंगी और आनंद से आप 2400 घंटे अपनी इस यात्रा को कर पाएंगे। इट मीन 24 घंटे ये यात्रा चलती रहती है और इस यात्रा को आप एंजॉय कर पाएंगे। तो भाई हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ रहा है, और नवरात्रों के समय पर तो ये यात्रा और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। अभी आप सामने देख पा रहे हैं इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर माता वैष्णो देवी की पिंडी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और वहाँ पर काफ़ी सारे भक्त फोटोज़ खिंचाते हैं और सेल्फीज लेते हैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट स्टूडियोज़ भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे और आगे भी काफ़ी सारे स्टूडियोज़ सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह का वातावरण अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। भक्तों में काफ़ी जोश है, देख पा रहे हैं कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से और माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। अप्रोक्स 2 किलोमीटर की जर्नी हमने कर ली है और पुराना वाला जो रास्ता है वो चूज़ किया है हमने। काफ़ी भक्त देख पा रहे हैं आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के नवरात्रों के समय पर, और इस साइड में भी देख पाएंगे ना इस तरह के काफ़ी सारे मंदिर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जय माता दी, इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन, गीता भवन, बाणगंगा, तो ये इस तरह के मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जोश काफ़ी ज़्यादा है भक्तजनों में, इस तरह का माहौल सारे साइड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये माँ वैष्णो का एक मंदिर आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद में फिर आप जो अपनी यात्रा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर ये आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आपको माँ सरस्वती की प्रतिमा देखने के लिए मिल पाएगी और भोलेनाथ की भी प्रतिमा देखने के लिए मिल पाएगी। काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर ये आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। सामने हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको देखने के लिए मिल पाएगी। बढ़ते हैं इस साइड में से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए। पुराने वाले रूट में दर्शन करने का बेस्ट पार्ट ये है कि इस तरह के काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। श्री चरण पादुका मंदिर आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है और काफ़ी फेमस ये प्लेस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है और आप गौर से देख पाएंगे श्री चरण पादुका मंदिर। इसी स्थान पर रुक कर महाशक्ति श्री माता वैष्णो ने पीछे मुड़ कर देखा था कि भैरनाथ आ रहा है या नहीं, रुकने के कारण इस स्थान को चरण चिन्ह बन गए थे, जिसके कारण इस स्थान को चरण पादुका के नाम से आने आता है और काफ़ी फेमस स्थान है। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका, इस स्थान पर भी आप दर्शन कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी इस रास्ते के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और अर्धकुंवारी यहाँ से अभी 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अर्धकुंवारी चलते हैं और अपनी इस यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। हमने चरण पादुका जो स्थान है उससे 200 मीटर की दूरी हमने तय की है और एक ऐसा व्यू पॉइंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है जो आज के दिन का बेस्ट व्यू श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का देखने के लिए मिलने वाला है। चारों साइड में ग्रीनरी आपको देखने के लिए मिल पा रही है और कटरा वैली आप यहाँ से देख पा रहे हैं, जबरदस्त जो नज़ारा है आपको इस यात्रा में देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह के काफ़ी सारे और भी व्यू पॉइंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को आप। तो इस तरह के व्यू पॉइंट देखने के बाद में काफ़ी पीछे का जो नज़ारा है ना काफ़ी ज़बरदस्त और आनंददायक नज़ारा आपको इस यात्रा में देखने के लिए भी मिल रहा है।
माता वैष्णो देवी की इस यात्रा में हर जगह पर आपको फूड स्टॉल देखने के लिए मिलने वाले हैं, चाहे आपको खीरा देखने के लिए मिल पाए या लेमन सोडा वगैरह इस तरह के आइटम्स देखने के लिए मिल पाए, नींबू पानी पी सकते हैं आपको, और आपको जूसेस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अलग अलग तरह का जो जूसेस है उसको आप पी सकते हैं। इट मीन्स खाने के जो सामान की काफ़ी रेंज है आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में देखने के लिए मिलने वाली है। फ्रूटीज वगैरह भी अवेलेबल है, चिप्स वगैरह ले सकते हैं आप, गोलगप्पे के शौकीन यहाँ पर गोलगप्पे वगैरह ले सकते हैं, और प्रसाद की भी काफ़ी सारी शॉप्स दुकानें आपको जगह जगह देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इस तरह का वही वातावरण आपको सारे एरिया में आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए, और हम भी चलते हैं अपनी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त जो नज़ारा है अभी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। गन्ने का जूस के शौकीनों के लिए यहाँ पर गन्ने का जूस भी अवेलेबल है। तो हर तरह का फूड के स्टॉल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी लोग मैगी पसंद करते हैं तो मैगी भी खा सकते हैं आप यहाँ पर आकर। और जर्नी हमारी चल रही है, कभी धूप निकलती है कभी बारिश होती है, इस तरह का जो पूरा एटमॉस्फेयर है अभी इस यात्रा में चल रहा है। अभी यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं 360 सीढ़ियाँ आपको देखने के लिए मिल पा रही हैं। एक रास्ता ये वाला देखने के लिए मिल पा रहा है जिसमें 360 सीढ़ी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और दूसरा रास्ता ये वाला देखने के लिए मिलने वाला है जो थोड़ा स्लोप से जा रहा है हल्का हल्का सा। तो दो रास्ते देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस तरह के काफ़ी सारे रास्ते और भी अवेलेबल हैं, और चॉइस आपकी है इस वाले रास्ते के थ्रू आप जाना पसंद करेंगे या 360 सीढ़ियों के थ्रू जाना पसंद करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, बट टाइम सेविंग के लिहाज से आप देखना चाहते हैं तो ये रास्ता बेस्ट रहेगा, और नॉर्मल रास्ते आप जाना चाहते हैं तो ये रास्ता बेस्ट रहेगा। मैंने चूज़ किया है 360 सीढ़ियों वाला रास्ता, तो मैं इस रास्ते से जाने वाला हूँ। बाकी आपकी चॉइस है आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। तो सीढ़ियों वाला रास्ता कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और कुछ खड़ी चढ़ाई आपको सीढ़ियों के थ्रू देखने के लिए मिलने वाली है, और इस तरह से आगे जाएंगे और फिर सीढ़ियों के थ्रू 360 सीढ़ी चढ़ने के बाद में काफ़ी कुछ डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे। इस तरह से हम जा रहे हैं आगे की तरफ को। मैंने सीढ़ियों वाला रास्ता प्रेफर करा है। ये वाला रास्ता नॉर्मल रास्ते के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टाइम सेविंग के लिहाज से ये वाला रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है। आप देख पा रहे हैं कितना नीचे का जो स्लोप है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। 30 से 40 सीढ़ियाँ और कंप्लीट, और 340 सीढ़ियाँ हैं ये कंप्लीट हो पाएंगी। तो इस तरह की ट्रैकिंग आपको पूरे रास्ते में देखने के लिए मिल पा रही है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे साइड में फिर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को कम्प्लीट कर पाएंगे। जय माता दी, 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 जय माता दी। सामने जो रेट लिस्ट आप देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भोजनालय है आपको, और सस्ते से सस्ते रेट में ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। जहाँ पर आपको टी 8 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और बटर सलाई, चना पूरी, राजमा राइस, कड़ी राइस, ये 50 रुपये अलग अलग तरह के रेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो काफ़ी किफ़ायती दरों पर यहाँ पर रेट्स वगैरह मिल जाएंगे। कड़ी आपको 30 रुपये में मिल जाएगी, ये सारे रेट्स हैं। और यहाँ पर इस साइड में आपको श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय है वो देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी लोग लाइन में लगकर यहाँ पर जो नॉर्मल रेट्स में जो सामान है आइटम्स है वो ले रहे हैं। यहाँ पर कैश काउंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अंदर बैठने के बाद में अपने जो फूड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी 3 से 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद अभी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से दो रास्ते आपको डाइवर्ट हो रहे हैं। रास्ते आप देख पा रहे हैं सामने, एक रास्ता भवन के लिए जा रहा है वी आई हेमकोटी मार्ग होते हुए, और 5.5 किलोमीटर की दूरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे तो आपको 5.5 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है, और ये वाला रास्ता आप फॉलो करेंगे तो भवन या हाथी मत्ता के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, 6.5 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है। और इसी रास्ते में आपको अर्धकुंवारी भी देखने के लिए मिलने वाली है ये वाले रास्ते में। इट मीन्स आपको 1 किलोमीटर ज्यादा ये रास्ता पड़ने वाला है, और ये वाला जो रास्ता आप फॉलो करेंगे तो 1 किलोमीटर कम पड़ने वाला है। दोनों ही रास्ते आपके पास है, चॉइस आपकी है। अर्धकुंवारी होकर जाना चाहते हैं आप या अर्धकुंवारी को स्किप करके जाने जाते हैं, पर मोस्ट प्रिफरेबली यही रहेगा कि अर्धकुंवारी होकर जाएंगे, और वहां पर भी माता वैष्णो देवी की जो गुफा है उसके आप दर्शन करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे की साइड में, और अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे की जर्नी करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पर, और अर्धकुंवारी पर गर्भजून में दर्शन करने के लिए 6 से 8 घंटे की वेटिंग चल रही है। पूरी जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये जो कंप्लीट लाइन देख पा रहे हैं यहाँ पर अर्धकुंवारी में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लाइन लग रही है। यहाँ पर आपको गर्भजून में पर्ची भी मिल जाएगी, और
गर्जुन में पर्ची लेने के लिए आपको दो नंबर काउंटर पर जाना पड़ेगा। सामने आप देख पा रहे हैं, दो नंबर काउंटर जाना पड़ेगा और कंबल पर्ची के लिए तीन नंबर काउंटर पर जाना पड़ेगा आपको। तो ये पूरी जो लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइन लगी हुई है और फिर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। ये जो पूरी लाइन देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, देवी श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और रेट लिस्ट आप सामने देख पा रहे हैं, पूरी चना 40 रुपये, राइस राजमा 45, ये सब जो रेट्स हैं नॉर्मल रेट्स हैं। आपको वेज थाली 90 रुपीज़ में देखने के लिए मिलने वाली है, राजमा प्लेट आपको 30 रुपीज़ में देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरह का फूड आप यहाँ से ले सकते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप पूजा हाल वाली शॉप आपको ये देखने के लिए मिल पा रही है। इस साइड में भी घूमेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट बीकानेर वाला मैकडी वगैरह देखने के लिए मिल पा रहे हैं। और क्राउडेड काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। सामने जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये भगवती भवन है और भगवती भवन में भी स्टे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक रूम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। आपको इवनिंग के अप्रॉक्स 7 बज चुके हैं अभी और 8 बजे के करीब यहाँ से ब्लैंकेट मिलना शुरू हो जाएंगे। हमने आप देख पा रहे हैं ग्रुप नंबर 80 चल रहा है अभी और काफ़ी 6 से 8 घंटे का में आपका जो नंबर है अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए आता है। गर्भजून गुफा का रास्ता और मंदिर का रास्ता, तो गर्भजून गुफा के रास्ते यहाँ से होने वाला है और तैयारी पूरी तरह से अपने जोरों पर है। जय माता दी लिखा हुआ है और बंदा लगा हुआ है सजावट करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने पिंक कलर के फूलों से जय माता दी लिख दिया है और रेड कलर के फूलों से ऊपर की साइड में सजावट चल रही है। तो बेहतरीन तरीके से सजावट ये हो रही है और नीचे की साइड तक आप गौर करेंगे तो पूरा जो फूलों से डेकोरेट करके सजाया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त ये माहौल लग रहा है। और जब ये पूरा सज के बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से लगे हो जाएगा ना, तो इसका जो व्यू है कुछ और ही देखने के लिए लगने वाला है। गर्भजून गुफा का रास्ता आपको ये देखने के लिए मिल पा रहा है और आरती का समय भी यहाँ पर पूरा जो जैम पैक सा ही मेरे को लग रहा है। इवनिंग के अप्रोक्स 8 बज रहे हैं यहाँ पर। और भवन के लिए अगर आप जाएंगे तो भवन के जाने के लिए रास्ता सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता ये देख पा रहे हैं ये भवन के जाने के लिए रास्ता है। इस समय यही माहौल पूरा देखने के लिए लग रहा है, पूरा ज़बरदस्त तरीके का मस्त माहौल इस समय आप देख पा रहे हैं। भक्तों की भीड़ लग रही है और पूरा भक्तिमय माहौल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। करीब सुबह के 4 बज रहे हैं और माता के भवन की डेकोरेशन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अर्धकुंवारी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जय माता दी लिखा हुआ है ऊपर लाल फूलों में और पिंक कलर के फूलों में सजाया हुआ है और गेट को कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो इस तरह की डेकोरेशन माता के भवन में भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, पूरा ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट करके बनाया हुआ है। और ये अर्धकुंवारी का व्यू आप देख पा रहे हैं नवरात्रों का पहले दिन में, ये भी पूरा तरह से कलरफुल और रंग बिरंगा डेकोरेट करके सजाया हुआ है। लोग यहीं पर अपना सो रहे हैं, हम भवन का रास्ता वो जाने के लिए है तो उस रास्ते के थ्रू हम जाएंगे। और ये पूरा जो रात का व्यू आप देख पा रहे हैं भगवती भवन वहाँ देख पा रहे हैं, तो वहाँ भी रुकने की फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल पाएगी। क्लॉक रूम मिल पाएंगे आपको, कंबल स्टोर ब्लैंकेट स्टोर भी आपको देखने के लिए मिल पाएगा। तो ये पूरा जो एरिया भी देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की जो चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और अभी यहाँ पर जो ग्रुप नंबर है ना 160 नंबर चल रहा है, तो कम से कम 8 से 10 घंटे की जो वेटिंग है अभी आपको यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए अभी मिल रही है। सामने जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये भवन के लिए जाने के लिए रास्ता है और काफ़ी फेमस ये जो गुफा है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें गुफा में काफ़ी लोग भी रेस्ट कर रहे हैं जो, क्योंकि शाम का समय हो रहा है। चलते हैं इस गुफा के अंदर को और भवन की तरफ चलते हैं। तो ये भवन के लिए जाने का रास्ता है और इसके थ्रू आप जाएंगे तो भवन तक आसानी से पहुँच पाएंगे। अभी नवरात्रों का समय चल रहा है तो इस समय पर क्राउड जो होना लाजमी है और इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ आई हुई है कि भवन की जो गुफा है उसके बाहर भी कंबल ले लेकर लोग बाग यहाँ पर लेटे हुए हैं। अंदर का जो स्टे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ है वो टोटली फुल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ और क्राउड माता वैष्णो देवी के नवरात्रों में आपको देखने के लिए मिल रही है। ट्रैकिंग करते करते हम भवन के नज़दीक तक पहुंच गए हैं और करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भवन रह गया है। तो ये चल रही है ट्रैकिंग और यहाँ से माता रानी का जो फर्स्ट व्यू है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। रात का समय हो रहा है अभी और नज़ारा जो कितना बेहतर दिखाई दे रहा है, पास से जाएंगे ना तो और भी ब्यूटीफुल और खूबसूरत ये नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह के काफ़ी सारे सुंदर सुंदर नज़ारे माता रानी के भवन के आगे भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं।
वैष्णो देवी यात्रा में इस तरह की आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो बच्चे होते हैं और जो ज़्यादा उम्र के पर्सन होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती हैं। इस तरह की बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को भी ले सकते हैं। और सामने जो पॉइंट देख पा रहे हैं यह एंड पॉइंट है, यहाँ से जो भवन का जो दूरी है करीब 200 से 250 मीटर है, तो यहीं पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। 236 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और यहीं पर ड्रॉप करने के बाद में फिर आगे की यात्रा उसको कंटिन्यू आप कर पाएंगे। तो अभी इस चेक पॉइंट पर से अपना जो सामान लगेज वगैरह चेक कराते हैं और फिर भवन तक जाते हैं। भवन भी आपको बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है, सामने भवन दिखाई दे रहा है, 200 से 250 मीटर की दूरी है। चलते हैं अभी इस चेक पॉइंट को पार करने के बाद में और भवन में दर्शन करने के लिए। देखो भाई, कुछ इस तरह की भव्य डेकोरेशन और सजावट आपको देखने के लिए मिलने वाली है अगर नवरात्रों में श्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं। अंदर चलते हैं और बहुत बेहतरीन कलरफुल डेकोरेशन और सजावट आपको देखने के लिए मिलने वाली है। चारों साइड में फूल ही फूल, कलरफुल फूल फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और माँ हर जगह लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाए विच्छई नमः। काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त डेकोरेशन सजावट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। मंत्रमुग्ध हो गया भाई, पहली बार नवरात्रों में आया हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो व्यू है आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जिस साइड में भी आप नज़र घुमाएंगे ना, उस एंड पॉइंट से हम चले थे, उस स्टार्टिंग बोलने वाले पॉइंट से, और ऐसे घूमते हुए फिर हम ऐसे आए हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो डेकोरेशन और सजावट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है और कितना सुंदर और खूबसूरत ये बनाए हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला। पहला नवरात्र आया माँ का आज और भाई साहब मज़ा आ गया पहला नवरात्र में। दोस्तों फाइनली मैं माता के भवन पर पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे बैक साइड में ये जो देख पा रहे हैं आप मनोकामना भवन है और यहां से माता के भवन का बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मैं थोड़ा कैमरा पीछे की साइड में घुमाऊंगा और माता का भवन मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहां से आपको जो नया इसका युवक बना है वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और जो सुबह के 6 से 6:15 बज रहे हैं, बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फर्स्ट नवरात्र है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी मज़ा आ रहा है। तो ये देख पाएंगे ना आप, इस तरह का जो व्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है, त्रिकुटा पर्वत है, हल्का हल्का सा जो सन निकलने वाला है और कितना बेहतरीन तरीके से माता का भवन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वहाँ पीछे की साइड में इसका युवा होगा और इस रास्ते के थ्रू आप जाएंगे, इस तरह से जाते हुए फिर आप माता के भवन तक पहुँच पाएंगे। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है, दर्शन करने के जाएंगे ये। और किस तरह की डेकोरेशन अभी यहाँ पर हो रही है, किस तरह की सजावट चल रही है, किस तरह से श्री माता वैष्णो देवी के भवन में 2023 में शरदी नवरात्र में आप सभी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में आगे भी अब कवर करने वाले हैं। यही वाला एग्जिट गेट है जिसके थ्रू आप दर्शन करने के बाद बाहर आएंगे। तो ये मेन एग्जिट गेट है और सामने आपको सोविनियर शॉप और प्रसाद की दुकानें भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो यहाँ से आप प्रसाद, पंचमेवा प्रसाद जो कि काफ़ी फेमस होता है वैष्णो देवी का, उसको भी आप ले सकते हैं और अपने घरों में भी ले जा सकते हैं। तो ये वाला एग्जिट गेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको एग्जिट होना पड़ेगा और फिर इस रास्ते के थ्रू आप बाहर जा पाएंगे। और फिर नीचे की साइड में भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आप जा पाएंगे। VIP